जागृति आ रही है हमारे समाज में कि हमें वास्तव में जो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं इस संस्था में जुड़ रहे हैं। झाड़ू हाथ से जाने चाहिए, कलम हमारे आस्था है, कलम हमारी रास्ता है। जो संगठन से बाहर लोग होते हैं उनको समझ से हम बुलाते हैं, समझाते हैं, समझा करके उनको, शिक्षित नहीं है तो बच्चों को शिक्षित करना। जैसे अभी आपने कहा था कि मैं नौकरी छीन ली सरकार ने, तो हमारे पास तीन चीज संगठन हो गया, फिर हम शिक्षित हो गए, फिर संघर्ष, हम संघर्ष करके कलम छीन सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हूं मैं तुगलकाबाद में लाल कुआं के पास। यहां पर वाल्मीकि समाज का एक बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है सामाजिक जागरूकता को लेकर। तो वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं। सर स्वागत है आपका जनता आवाज। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा मीडिया और प्रभारी का, आप लोगों का जो आप हमारे वाल्मीकि समाज की बस्ती में आए हैं, मैं आपका बड़ा बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद। तो सर मतलब बदलाव के लिए क्या योजना है आपकी? अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद, अभी हमारे वकील साहब ने आपको बताया कि जो परिषद है ये 1974 से संस्था चली आई है। हमारे माननीय गृहमंत्री बूटा सिंह जी भी रहे संस्था के, और हमारा यही उद्देश्य है, हम जहाँ चुनाव कराने की जरूरत है वहाँ चुनाव करा रहे हैं। जागृति आ रही है हमारे समाज में कि हमें वास्तव में जो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं इस संस्था में जुड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट हैं, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे सारे व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारा यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को उठाने की कोशिश करें। तो ऐसी कौन सी समस्याएं जिनमें आप बदलाव चाहते हैं अभी समाज के बीच में? जो सरकार से गवर्नमेंट हमें जो देती है उन चीज़ों के बारे में समाज को नहीं पता, वो हम जा जाकर समाज को बताते हैं कि जो सरकार ने हमें ये घोषणा दी है उनको जागृत करते हैं, हमारे ब्लॉक के जो कार्यकर्ता जो कमेटी बनाते हैं। और भी हमारे साथ में ये वाल्मीकि समाज परिषद है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहित जेडिया है। तो क्या कहना चाहोगे जो वाल्मीकि समाज में आजकल आप देखो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, दिल्ली सरकार में जितने भी मतलब जो सफाई कर्मचारी थे तो वादा तो ये भी किया गया था कि सबको नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हमें तो नहीं लगता, आपको जानकारी हो तो मतलब कैसे क्या समस्या है मेन चीज वाल्मीकि समाज? देखिए मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद जो हमारा संगठन है ये कोई विशेष वाल्मीकि जो लोग सफाई का काम करते हैं उनके लिए नहीं, सबके लिए। और जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है ये क्वेश्चन सरकार के लिए बनता है कि वो कब नियमित करेंगे, कब परमानेंट करेंगे और कब। मेरे कहने का मतलब ये है जो मैंने उदाहरण के तौर पे समस्याएं बताई हैं, इसके अलावा ये समस्या एक ऐसी और कितनी समस्या है? मैं थोड़ा सा इस बात से अलग एक बात कहना चाहूँगा कि हम उनके वंशज हैं जिनके हाथ में कलम थी, चाहे वो संविधान रचयिता हो चाहे वो रामायण रचयिता हो, हमारे हाथ में झाड़ू कब आ गई ये पता ही नहीं चला। और अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो पिछले दो तीन दशकों से ही या दो पीढ़ियों से ही ऐसा देखने में आया, उससे पहले झाड़ू नहीं थी, हमारे कार्य अलग थे, हमारे काम अलग थे, हमारा लाइफ स्टाइल अलग था। तो अब जो चीज़ें क्या लगता है ये झाड़ू जो छूटना चाहिए हाथों से, झाड़ू की जगह पे कलम और अधिकार पावर आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, झाड़ू हाथ से जानी चाहिए, कलम हमारे आस्था है, कलम हमारी रास्ता है, और दोनों ही चीज़ें जो है ना हमें अच्छे मुकाम पर लेके जाएंगी समाज के लिए। मैं थोड़ा ये बात कहना चाहूँगा जैसा आपने मेरे से पूछा कि हमारे व्यवस्थाओं में कमी है, हमारे कार्यों में कमी है व्यवस्था। जैसे हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग जो है ना कैटराइज होकर के उसको नहीं सुनते, ज़्यादातर लोग ज़्यादातर पब्लिक इधर उधर होती रहती है और कामों में लगी रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो अपने आप से संतुष्ट हैं कि क्या करेंगे आगे करके, ठीक है जो है सो हमारा रोजगार तो मिल ही जाता है भले ही 10,000 का सही, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा कि गर्दिश में है और गर्दिश का मजा ले रहे हैं, अपने गर्दिश में मस्त हैं, तो ये जो मस्ती है ना ये बड़ी नुकसानदायक है आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। अभी बदलाव की ज़रूरत है, ये जो पीढ़ी है ये ही पीढ़ी कुछ कर पाएगी, और हम इसीलिए अपनी कमर कस के निकले हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के माध्यम से कि लोगों को सब तरीके से जागरूक करते हुए आगे आने वाले बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए, चाहे राजनीति भी हो चाहे वो आस्था का विषय हो। सब गौतम जी से एक सवाल और लेते हैं सर, इस तरह के आयोजन और कितने स्तर पर करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे? ये हमारे पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और गौतम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र चौहान, और हमने जो आप अभी कह रहे थे
कि ये जो जिम्मेदारी है हमारे प्रदेश के मोहित जी हैं, ये अब हमें पूरी रिपोर्ट देंगे कि यहाँ क्या क्या परेशानी, यहाँ जो समाज को क्या क्या दिक्कत है वो हमको रिपोर्ट करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी को ये लिख के भेजेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी हम वार्ता का टाइम लेंगे जल्दी। शुक्रिया। और भी हमारे साथ गुरुजी हैं सर, क्या नाम है गुरुजी का? मेरा नाम बाबा हरपाल नाथ योगी है जी। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इस अखिल भारतीय बाल्मीकि विकास परिषद का। तो ये जो समाज हम बनाते हैं इनके सुधार के लिए हमने तीन बात पकड़ी हुई है बाबा जी की। संगठन, ये हमारा संगठन बना रहे हैं। जो संगठन से बाहर लोग होते हैं उनको समन से हम बुलाते हैं, समझाते हैं, समझा करके उनको, शिक्षित नहीं है तो बच्चों को शिक्षित करना। जैसे अभी आपने कहा था कि मैं नौकरी छीन ली सरकार ने, तो हमारे पास तीन चीज, संगठन हो गया, फिर हम शिक्षित हो गए, फिर संघर्ष। हम संघर्ष करके कलम छीन सकते हैं, हम सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपनी जाति को, समाज को ऊंचा ले जाने के लिए हम, इसीलिए हमने अपना प्रत्याग का त्याग करा हुआ है। योगी जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दलित समाज है अपना ताश खेलने में शराब पीकर मस्त रहता है और चाहे बेरोजगारी का एहसास ही नहीं है। जैसे बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ देगा। तो अभी ये अपने युवाओं को एहसास ही नहीं है कि हम बेरोजगार हैं, दारू सस्ती मिल रही है, पीने पी के मस्त है। अभी हम देख रहे थे कुछ लोग ताश भी खेल रहे थे, यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो ऐसे युवाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ऐसा है कि सभी तरह के लोग नहीं होते, समझदार लोग होते हैं, कुछ अज्ञान होते हैं। अज्ञान को समझाने के लिए बहुत ज्ञान करना पड़ता है, उसको अपनी लाइन पर लाना पड़ता है हमको। हम उनको लाएंगे प्यार से, बुझा करके, चमकार करके हम उस लाइन पर डालेंगे उनको, और हम समाज से उनको उन्नति कराएंगे। और शराब भी हमने बहुत छुड़ाई, हम मीट छुड़ाई उनसे, हमने जो विषय है वो हमने काफ़ी छुड़ा रखा है। और हमारा ये प्रयास ये होता है कि हमें समाज को संगठन में ला करके शिक्षित करना है, फिर हमें संघर्ष करना है। जी शुक्रिया। तो ये थे हम लाल कुआं तुगलकाबाद, आप देखते रहिए जनता आवाज। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।